दूर पहाड़ी से एक क्रिएचर ने जोर जोर से पुकार लगाई और कुछ देर बाद आसपास मौजूद सभी सायरन हेड्स एग्रेसिव होकर बाहर निकलने लगे। सभी तरह के सायरन हेड्स, ऐसा लग रहा था मानो उस क्रिएचर ने उन्हें ऑर्डर्स दिए हों, अपने पास आने के लिए समन किया हो। अब आखिर कौन है ये जीव जिसके ऑर्डर्स बिना सवाल करे सभी टाइप के सायरन हेड्स अच्छे अच्छे बच्चों की तरह फॉलो करने लग गए? आखिर सभी सायरन हेड्स की माँ कौन? द ग्रेट मदर मेगाफोन। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ सायरन हेड का एक नया पार्ट लेकर, इसकी फैमिली की कई और सब स्पीशीज लेकर। वैसे पिछले पार्ट में हमने शेडो हेड, पाइप हेड, लाइट हेड, मेगाहॉर्न एटसेट्रा जैसे कई सारे सायरन हेड्स के रिश्तेदारों के बारे में जाना था, बट लिस्ट अभी भी काफी लंबी है और ढेर सारे डिफरेंट येट अमेजिंग सायरन हेड सब स्पीशीज से भरी हुई है। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट यानी पार्ट 3 देखा है, एंड ओनली आफ्टर दैट इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सेंटा से लेकर इंडियन और टॉयलेट से लेकर द ग्रेट मदर मेगाफोन आज हम सबको कवर करेंगे। बाकी सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बेबी सायरन हेड। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे छोटे और नन्हे मुन्ने सायरन हेड से, दैट इज द बेबी सायरन हेड, जो एक डायपर पहना हुआ मासूम सा छोटू सायरन हेड है। अलार्म हेड। सुबह का अलार्म किसे परेशान नहीं करता, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर सुबह सुबह आपकी नींद खोलने के लिए अलार्म हेड आ जाए। सायरन हेड की बॉडी और सर पर लगे इस पुलिस सायरन के साथ ये क्रिएचर ऐसे अलार्म बजाता है जिससे सामने खड़ा इसका दुश्मन एक्सप्लोड हो जाता है, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। सेंटा हेड। जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे, सेंटा बन गया सायरन हेड, अब क्या होगा रे? सायरन हेड के इस वेरिएंट का सिर सेंटा क्लॉस जैसा है और कहा जाता है कि ये मोस्टली जाड़ों के सीजन में क्रिसमस के दौरान दिखता है। नाउ सेंटा क्लॉस की स्लेज रेंडियर चलाते हैं, बट इसकी स्लेज पिग्गू चलाते हैं, और इसका यार है ये क्रिसमस ट्री सायरन हेड जिसकी खोपड़ी पर ये क्रिसमस ट्री उगा है। लैम्प हेड। ये एक तरह का लाइट हेड है जिसके सर पर स्ट्रीट लाइट ना होकर एक टेबल लैम्प जैसा कुछ लगा है जिससे ये फ्लैशिंग लाइट्स जनरेट करता है। टॉयलेट हेड एंड पूप हेड। Now this one's gonna be little bit gross. अब जैसा कि इन दोनों के नाम से ही क्लियर है, ये काफी बदबूदार हैं और इनकी बदबू मीलों तक लोगों की नाक की वाट लगा देती है, उनकी सूंघने की शक्ति को खत्म कर देती है। वैसे इन शॉर्ट अगर डिस्क्राइब किया जाए तो टॉयलेट हेड दिखने में सायरन हेड जैसा ही है, बट इसके सर पर एक वेस्टर्न स्टाइल का कमोड यानी टॉयलेट सीट लगी हुई है। एंड द अदर वन इज पूप हेड, जिसका शरीर सायरन हेड जैसा है बट सर पर ये तो टट्टी है। हाँ, आपने सही सुना। बाकी वाह यार, मैं तो उस आदमी को सल्यूट करता हूँ जिसके दिमाग में इन दोनों को बनाने का ख्याल आया। अगर आपको भी मजा आया तो जरा कमेंट में इस तरह से सल्यूट लिखकर भेज दो। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, टॉयलेट हेड एक शिकारी है, और गेस करो जरा इसका फेवरेट शिकार क्या होगा। यस, आपने सही सोचा, इसका फेवरेट शिकार है पूप हेड, जिसे ये फ्लश करके खा जाता है। वुड सायरन हेड। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये वाला सायरन हेड एंटायरली लकड़ी से बना हुआ है। इसका शरीर, इसके लाउड स्पीकर्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वुड, एंड जस्ट लाइक अ ट्री, इसका शरीर भी बाग से एंटायरली कवर्ड है। वैसे बाग यानी पेड़ की छाल, और हर सीजन इस छाल की नई लेयर्स इसकी बॉडी को कवर करते रहती हैं और ये और भी मोटा होता रहता है। मेका सायरन हेड, ऑल्सो नोन एज फ्यूचर सायरन हेड। ये सायरन हेड का एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन है जो पूरा मेटल का बना हुआ है। ये टोटली मैकेनिकल है और दिखने में कुछ ट्रांसफॉर्मर्स जैसा दिखता है, बट स्टिल ये एक सायरन हेड है और माइंड मैनिपुलेटिंग नॉइजेस निकालकर शिकार करना इसकी फितरत है। एंजल सायरन हेड। जैसे हेवन में जाकर लड़कियां परियां बन जाती हैं, वैसे ही सायरन हेड भी हेवन में जाके एक एंजल बन गया, जिसे एंजल सायरन हेड के नाम से जाना जाता है, और इसकी पूरी बॉडी व्हाइट लाइट में चमकते रहती है। बाय द वे यार, अगर एंजल लड़की हो तो उसे परी कहते हैं, बट अगर लड़का हो तो उसे क्या कहेंगे? परा, आपको क्या लगता है? कॉमेंट में इस पर डिस्कशन तो यार जरूर बनता है। इंडियन सायरन हेड। मेरे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट कार्टून था अलादीन, जिसके बारे में आई एम श्योर कि आप जानते ही होंगे। अब इस कार्टून में अलादीन के जीनी के बाद दूसरी चीज जो मुझे चाहिए थी वो थी इसकी जादुई कालीन, और ऐसा ही कालीन है हमारे इस सायरन हेड के पास, जिसे लोग इंडियन सायरन हेड कहते हैं। दिखने में ये दूसरे सायरन हेड्स के आगे खली जैसा विशाल लगता है और उन्हें दबा के पेल भी देता है। बाकी जैसा कि अलादीन की जादुई कालीन थी, इसकी वाली में भी वही जादू है और ये उस पर खड़ा होकर मजे से उड़ता रहता है। स्केलेटन हेड। नाउ ये थोड़ा सा डिफरेंट लुकिंग है, क्योंकि अनलाइक सायरन हेड, इसकी बॉडी एक विशाल जायंट ह्यूमन स्केलेटन जैसी दिखती है, जिसकी गर्दन से ऊपर दो इंसानी खोपड़ियां लगी हुई हैं। इन शॉर्ट, ये दो सिर वाला जिंदा इंसानी कंकाल है जो टावर जितना विशाल है। फायर हेड, ऑल्सो नोन एज लावा हेड।
अब पिछले पार्ट में मैंने आपको आइस हेड के बारे में बताया था और इस बार हम बात करेंगे फायर हेड की, जो अपने सर पर लगे हुए इन भोपुओं से आग छोड़ता है। फायर हेड की बॉडी वॉल्केनिक लावा के कलर की है और कहा जाता है कि एक एक्टिव ज्वालामुखी की तरह ही ये हर समय गर्मी से खौलता रहता है। वैसे अगर आइस हेड और फायर हेड को भिड़ाया जाए तो कौन जीतेगा? क्या आइस हेड फायर हेड की आग बुझा देगा या फिर फायर हेड आइस हेड को भाप बनाकर उड़ा देगा? आपको क्या लगता है? हाउस हेड, ये सायरन हेड की दूर की एक मॉन्स्टर्स कजन स्पीशीज है, जिसका सर एक घर जैसा होता है और बाकी बॉडी एक विशाल स्पाइडर जैसी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी गर्दन से नीचे की बॉडी जमीन के अंदर ही रहती है, इसलिए अगर आपको ये दिख भी जाए तो आप इसे पहचानोगे नहीं। आप सोचोगे कि ये तो सिर्फ एक घर है, बट इन रियलिटी ये एक बहरूपिया है जिसकी खिड़कियां उसकी आंखें हैं और दरवाजा उसका मुंह, जिससे ये अपने शिकार को घप से खा जाता है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए उनके दोस्तों की आवाजें भी निकाल सकता है। अरे भाई यार, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जा। और जो कोई भी बेवकूफ बन गया वो सीधे इसके मुंह की तरफ चला जाएगा, जहां से फिर वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। नाउ ये हाउस हेड झुंड में रहते हैं और मोस्टली रातों में ही ट्रेवल करते हैं। ब्रास हेड, शादी के बैंड वालों के भोपुओं को पकड़िए और सायरन हेड की बॉडी में फिट कर दीजिए, बन जाएगा ब्रास हेड, जो काफी विशाल है और शिकार करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स टेक्टिक यूज करता है, जिसमें ये सारे भोपुओं को एक साथ बजा देता है और आसपास मौजूद सभी लोगों के कान फाड़ देता है। लोग दर्द में कराहने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं और ये बढ़िया से उन्हें जिंदा ही निगल जाता है। ग्रेट मदर मेगाफोन, ग्रेट मदर मेगाफोन को दुनिया भर के कई पहाड़ों में सालों से देखा जाता रहा है। ये एक नॉर्मल सायरन हेड जैसी ही दिखती है, बट इसका कलर व्हाइट है और इसके सर पर सिर्फ एक ही माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये दिखने में काफी बूढ़ी लगती है और कहा जाता है कि ये इस धरती पर रहने वाली सबसे पहली सायरन हेड है। नाउ साइज में ये सभी सायरन हेड से काफी बड़ी है और इसकी हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा है, यानी कुतुब मीनार से भी काफी लंबी। रिसर्चर्स आज भी श्योर नहीं है कि आखिर ये ग्रेट मदर मेगाफोन सिर्फ एक ही क्रिएचर है या फिर इस जैसे कई और भी हैं। नाउ ये ग्रेट मदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस यानी EMP जनरेट कर सकती है, जिनसे आसपास मौजूद सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देंगे, रेडियो, टीवी, लैपटॉप्स, मोबाइल, एनीथिंग जो बिजली से चलती है। बाकी इसके मेगाफोन से निकलने वाली आवाजें 150 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती हैं, जिन नॉइजेस का लेवल 172 डेसिबल्स तक हो सकता है। अब मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि हम मैक्सिमम 85 डेसिबल्स तक की ही साउंड मजे से सुन सकते हैं और ये तो उससे दुगने से भी ज्यादा डेसिबल्स की साउंड जनरेट करती है। दैट्स व्हाई अगर कोई बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के इसकी आवाज सुन ले तो समझो उसके कानों का तो होगा टन टना टन, एंड देन होगा उसका भेजा फ्राई। अब ये भी कहा जाता है कि अगर ग्रेट मदर सायरन हेड्स को पुकारेगी तो 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में मौजूद सभी टाइप के सायरन हेड्स एग्रेसिव हो जाएंगे एंड उस ग्रेट मदर की तरफ खींचे चले जाएंगे। दैट्स व्हाई कई लोगों का मानना है कि ये उन सभी की माँ है। तो फ्रेंड्स, ये थी सायरन हेड की कुछ और सब स्पीशीज। अब इन सब में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्या हम सायरन हेड परिवार से किसी सब स्पीशीज को इंक्लूड करना भूल गए? प्लीज बी श्योर टू टेल अस इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रहस्यमय जीवों के बारे में जानने के लिए प्लेनेट यूजर रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।